राजस्थान के प्रतापगढ़ में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की जनता देखिए मेरे साथ जुड़ चुकी है। ये यहाँ का मुख्य चौराहा है जहाँ से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और जनता का उत्साह जरा देखिए, आवाज आनी चाहिए दिल्ली तक। तो चुनावी सरगर्मी का अंदाजा आपको इस नारेबाजी से मिल गया होगा। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो वैसे ये छोटा जिला है, विधानसभा की दो सीटें आती हैं। पिछली बार जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तो एक सीट बीजेपी ने जीती थी और एक कांग्रेस ने। इस पर बातचीत होगी, लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि कैसे आज सियासी बाण एक दूसरे पर चलाए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से और किस तरीके से वोटों को साधने के लिए ये जुबानी जंग जारी है। जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट कर पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया और ये लाल काली पीली नीली बैंगनी जितनी तरह की डायरियां छपी हैं इन सब का इन सब भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाए, साथ साथ में उन सारे पैसों को वसूल करके वापस गरीबों के हित में विनिवेश करना ये प्राथमिकता रहेगी। ये घोषणा पत्र का कोई भरोसा नहीं, जुमला पत्र है, ये जुमला पत्र है और हर बार ये जुमला पत्र निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। हम तो विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं। वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। तो बयानों के तीर कैसे चलाए जा रहे हैं वो तो आपने देख लिया। प्रतापगढ़ की जनता से भी बात होगी और मेरे साथ दोनों पार्टियों के नेता मंच पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। शांतिलाल मीणा जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ रवि प्रकाश ओझा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रवि प्रकाश जी, बातचीत की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आज बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, जेपी नड्डा जी आज राजस्थान में ही थे, उन्होंने कहा कि लाल डायरी हो, पीली डायरी हो, बैगनी डायरी हो, नीली डायरी हो, सारी डायरियों के राज खुलेंगे और लोग जेल जाएंगे। पहले तो मैं इनके संकल्प पर यही कहूंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते बीच चुनाव में हम हैं, चुनाव के एक हफ्ता भी नहीं बचा हुआ है और अब जाके इनको राजस्थान की सूद आ रही है, अब जाके संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं और जबकि इसके विपरीत गहलोत सरकार पहले संकल्प जारी कर चुकी है और एक अपना विजन बचा चुकी है कि हम राजस्थान के लिए हमने क्या किया और गत आने वाले 5 सालों में हम क्या करेंगे, 7 संकल्प जो उन्होंने बताए। और रही रात बात लाल डायरी पीली डायरी की, तो सब इनके पास ही ईडी आईटी वगैरह सब। ये सुनिए, ये कह रहे हैं कि सारे संस्थाएं तो आप ही के पास हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, तो डायरियों वाली धमकी को क्यों दे रहे हैं, कार्रवाई करिए ना फिर। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और ये कांग्रेस के लोगों द्वारा जिस प्रकार से चोरियां की गई है उस चोरियों को बचाने का एक इन्होंने एक माध्यम ढूंढ लिया है कि ईडी इनकी संस्था है। इनका भी शासन रहा है, इन्होंने भी ईडी का प्रयोग किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार के लांछन तो नहीं लगाए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि डायरी है, लाल हो, पीली हो, काली हो, नीली हो, कार्रवाई करिए ना, सिर्फ डायरी क्यों। डायरी की कार्रवाई बेशक होगी और डायरी की कार्रवाई बेशक होगी और डायरी को, लाल डायरी को उजागर करने का काम कांग्रेस के जो मंत्री रहे उन्होंने किया है और बहुत जल्द उसका भी उजागर हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।